Thank you very much, Ashutosh. In fact, we had a small surprise for you as well, since you mentioned the Indrajit song. Our musicians will be playing that. Yes, at least the music, the instrumental piece. Thank you very much. We'll be for music here. We had a band. Absolutely. So, with this, without much ado, I would really like to request Ashutosh and Brahma to please unveil Knowing Pancham and launch this absolutely new version 2.0 for the world. डॉक्यूमेंट्री से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है और ख़ास करके सीख आज की पूरी जनता के लिए है और आज की पूरी मीडिया के लिए कि जो टैलेंट हमारे सामने होता है हम अमूमन उसको नकार देते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई बॉक्स ऑफिस नहीं होता है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर नहीं होता है, तो हम उसको भूल जाने की कोशिश करते हैं।
ये डॉक्यूमेंट्री अपने आप में एक सीख देती है कि आप प्रतिभा को पहचानिए, प्रतिभा को की तारीफ कीजिए, प्रतिभा को हौसला बढ़ाइए, ना कि बॉक्स ऑफिस को। ये डॉक्यूमेंट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी एक लेसन है हमारे समाज के लिए, कि जहाँ पर पंचम दा जैसे इतने बड़े प्रतिभावान, इतना बड़ा लेजेंड आदमी हमारे बीच में था, तब हमने उसकी कदर नहीं की, और आज जब हम वो चले गए हैं तब हम उनकी कदर करते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्री ये सबसे बड़ी सीख देती है। पंचम दा को कौन फॉलो नहीं करता था, पंचम दा को कौन आज फॉलो नहीं करता है। उनके सारे गाने में से मैं कहूँगा 99% गाने जो थे वो हम सब के फेवरेट हैं, और मेरे खास करके। और मुझे लगता है कि बड़ा अजीब है कि जब मैं मुंबई शहर में आया, ठीक उसके एक साल या डेढ़ साल के बाद उनकी मौत हो गई थी, और मेरा उनसे मिलना रह गया था। मैं उस समय स्ट्रगलर था, और इसका अफसोस हमेशा रहेगा। हम लोग इसी के बारे में बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है। movies.com जो एक पोर्टल है वो इस डॉक्यूमेंट्री को अपने पोर्टल पे प्रीमियर कर रही है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उस पोर्टल पे जाइए movies.com, और उस पर इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। ये बहुत ही नायाब डॉक्यूमेंट्री है, और इसको देखना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि इतना बड़ा हीरा, इतना बड़ा इस सोना हमारे पास था, और हमने जो है उसके जीते जी जो है हमने उसकी कदर नहीं की। कम से कम आज इस डॉक्यूमेंट्री को देख करके हम देखें, पहचाने कि उसके अंदर की जिंदगी क्या थी। Sir, one question for you. Our younger actors like Varun Dhawan, Alia Bhatt, Shraddha Kapoor making braver choices in film race as compared to Shah Rukh, Salman and others. I'll only talk about myself or this documentary. Sir, last time, what projects are you coming to? Sir, are you coming to the profession? Yes, my coming film is Sadhu Chakke, Aligarh, Duranto and Missing, which I have co-produced, और ट्रैफिक। आशा करता हूँ कि सारी फिल्में आप लोग पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ के इनको जो है चुना है, और इनको इनमें काम किया है, और सारी अलग से अलग फिल्में हैं। आशा करता हूँ कि सबको, सारे दर्शकों को पसंद आएंगे। आई थिंक ब्रह्मानंद सिंह हैज मेड अ ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री ऑन पंचम दा। इट्स एक्चुअली एवरीथिंग यू ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट आर डी बर्मन, बट डिडंट नो वेयर टू find all the details. So this documentary has a lot many people who have worked with Pancham Da in the past, and they all reminisce, they all talk about Pancham Da and how he created music. So I think it's something that is extremely insightful. It's brilliantly made, and it's a great service that Brahmanand has done for all music lovers, especially all the fans of Mr. R.D. Burman. And it will prove to be a reference material for even the future generations to come, because every generation is discovering the music of R.D. Burman, and I think they will also benefit from it. Do you think that there's a better way to remember the great R.D. Burman? No, I think this is a combination of a book as well as a documentary. So we are shown a lot many rare photographs. All the information that you see in the documentary is also in the book, but that's it, photographs. So मोहनजोदड़ो एक लव स्टोरी है, सेट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेट 2200 BC, और अभी शूटिंग उसकी जारी है, और बाय सितंबर हमारी शूटिंग खत्म होगी। अरे इसमें एडवेंचर है, एक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सो फॉर Ritik, it has been a very challenging, especially
in the wake of his shoulder injury. So we've been trying to take care as much as we can. He's also been pushing all limits to perform the stunts. So it's going good so far. New to film mein dekhenge. Thank you. I think any platform is now welcome, and movies.com, I wish them all the very best since they have just launched. I would love to definitely visit their website and see what it is all about.